रिश्वत कांड में फंसे दो स्कूली अध्यापकों को करीब 4 बजे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया। माननीय अदालत ने आरोपी हेडमास्टर तथा अध्यापक टीचर को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विजिलेंस ने कोर्ट से 3 दिन का पुलिस रिमांड दिए जाने का निवेदन किया था, लेकिन माननीय कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिश्वत कांड में फंसे स्कूल के हेडमास्टर व अध्यापक को बुधवार करीब 4:30 बजे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी हेडमास्टर और टीचर को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विजिलेंस ने कोर्ट में 3 दिन का पुलिस रिमांड दिए जाने का निवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। उधर आरोपियों के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन भी लगा दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को विजिलेंस ने हाई स्कूल भरटियान के हेडमास्टर व विज्ञान अध्यापक को स्कूल परिसर में कुल 29,500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। आरोपियों पर एक फर्नीचर फर्म की पेमेंट रोकने तथा इसके बदले में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए हैं। कार्यक्रम में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।